Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Tanu Singh from Motihari, East Champaran, Bihar. ये problem differential equation की है. Solve the differential equation. y minus 2x dx is equal to y 5 by minus 6x dy. यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, ये differential equation homogeneous differential equation है और इसको सॉल्व करने का एक स्पेसिफिक मेथड होता है, तो उसको हम अपने प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तब बता देंगे किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले काम ये कि यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर देंगे, यानी ये जो डी एक्स है इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे इसके नीचे, और इस फैक्टर को जो है, यानी ये जो फैक्टर है इसको हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे. तो इस तरीके से हमें डी वाई ओवर डी एक्स मिल जाएगा, जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं डी वाई ओवर डी एक्स. और ये पहुंचेगा जब इस तरफ, ये इसके अपान में ये आ जाएगा वाई माइनस टू एक्स अपान फाइव वाई माइनस सिक्स एक्स. अब यहाँ पर ये पहचान डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू इतनी आ जाए तो कैसे डिसाइड करेंगे कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो इसकी पहचान ये है कि माइनस और प्लस जब होता है यहाँ पर, तो ये टर्म अलग हो रहे हो, तो उसमें डिग्री देख लीजिए कि इस टर्म की डिग्री कितनी है. इसमें भी वन है, इसमें भी वन है, हर एक टर्म की डिग्री वन है. अगर हम देख लें न्यूमरेटर में हर एक टर्म की डिग्री इक्वल है और डिनोमिनेटर में भी हर एक टर्म की डिग्री इक्वल है, तो ऐसे ही इक्वेशन को होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे. और इसको सॉल्व करने का मेथड ये रहेगा, यानी इसे इक्वेशन नंबर वन डाल दीजिए. यहाँ पर हम लोग एक जो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है इसके रोल को बदल देंगे, यानी वाई बराबर वी एक्स रख देंगे, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल हम बनाने वाले हैं वो वी बनाने वाले हैं. तो फिर हमें डी वाई ओवर डी एक्स क्या रखना होगा, तो इसके लिए इसको डिफ्रेंशिएट कर दें. जब डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा. इसमें फर्स्ट और सेकेंड लगा देंगे तो एक्स एज इट और डिफ्रेंसीशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वी एज इट एंड डिफ्रेंसीशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन. सो वी पुट डी वाई ओवर डी एक्स दिस वैल्यू in equation number one, then equation number one reduced to this equation. We replace this value by this and we get x dv over dx plus v, because v into 1 is equal to v, is equal to y की जगह पर हमें वी एक्स रखना होगा, और माइनस टू एक्स है तो वो यहाँ पर हम लिख देंगे ऐसे ही. अपान में है फाइव वाई, वाई की जगह पर हमें रखना है बी एक्स, रखना है सिक्स एक्स. अब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में से एक्स को हम कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो एक्स कॉमन लेंगे तो बी माइनस टू हो गया. ऐसे डिनोमिनेटर में भी एक्स कॉमन होगा, फाइव बी माइनस का सिक्स, और इस v को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ x dv ओवर dx ही बचेगा. v लेफ्ट हैंड साइड से राइट में पहुंचा तो माइनस में हो गया, x से x कैंसिल हो जाएगा, और इस v को अब ये अपान वन कर लेंगे, और यहाँ पर LCM इतना हो जाएगा 5v माइनस सिक्स हो जाएगा, जिस वन का इधर इंटू हो जाएगा तो v माइनस टू मिलेगा, और इस v में इसका इधर इंटू, इस फैक्टर का इधर इंटू होगा. यानी LCM लेके जैसे भी आप सॉल्व करते हैं उस तरीके से इसे सॉल्व कर लें. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बी माइनस टू और इस वी का अंदर इंटू करेंगे तो माइनस फाइव वी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा सिक्स वी अपान फाइव बी माइनस सिक्स और एक्स डी वी ओवर डी एक्स हो जाएगा. अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट का कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पर माइनस के तो हैं फाइव वी स्क्वायर और सिक्स वी एंड वन वी, तो ये हो जाएंगे सेवन वी हो जाएंगे, और माइनस टू होल अपॉन फाइव वी माइनस सिक्स. यहाँ पर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में वी की रखा है, टू पावर वन पावर एंड ज़ीरो पावर. एक्स डी वी ओवर डी एक्स, ये जो सब्सटीट्यूशन हमने रखा था वाई इज इक्वल टू वी एक्स, ये होमोजीनियस में ये होता है कि अगर हम ये पुट कर दें सब्सटीट्यूशन तो हम वेरिएबल को हम सेपरेट कर सकते हैं. वी कैन सेपरेट वेरिएबल्स डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट बाई पुटिंग दिस सब्सटीट्यूशन वाई इज इक्वल टू वी एक्स. सो वी नाउ सेपरेट द वेरिएबल एक्स एंड वी. वट
ये ध्यान रहे कि dv और dx न्यूमरेटर में रहना चाहिए, तो dv के साथ में इनको जब ले जाएंगे तो इस टर्म को उधर ले जाएंगे तो इधर डिवाइड हो रहा था, राइट हैंड लेफ्ट में पहुंचेगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा dv 5v-6 होल अपान में ये हो जाएगा -5v² + 7v-2 और dv, और राइट हैंड साइड में जब इसको x वाले को ले जाएंगे तो dx ऊपर जाएगा और x इंटू में था तो उधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अब इस दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो डेरिवेटिव हट जाएगा, तो 5v-6 अपान -5v² + 7v-2 dv इज इक्वल टू 1/x इंटू dx। तो हमने एक्सरसाइज क्लास 12 के कुछ क्वेश्चंस लगाए हैं, एक्सरसाइज 7.3 या 4 होगी, तो उसमें इसी तरीके की प्रॉब्लम है कि न्यूमरेटर में अगर 1 पावर हो और डिनोमिनेटर में 2 पावर हो, क्वाड्रेटिक हो, तो उसको किस तरीके से ऐसे इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। तो उसे आप देख सकते हो उस वीडियो में जिसमें 12 क्लास के एक्सरसाइज CBSE एक्सरसाइज 7.3 या 4 होगा, देखिएगा। तो उसको सॉल्व करने का ये मेथड होता है कि जो न्यूमरेटर होता है ऐसा ऐसे केस में 5v-6 है, इसको कुछ मान लेते हैं डिनोमिनेटर की फार्म में। तो यहाँ पर न्यूमरेटर को मान लीजिए, यानी 5v-6 को मान लेंगे a इंटू dy/dv, डिनोमिनेटर में जो भी था यानी -5b² - 5b² + 7b और प्लस का है माइनस का है सॉरी 2 और प्लस b इंटू यही यानी सॉरी ये यहाँ पर ओनली b आएगा। अब इसको डिफरेंशिएट v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, v² का डिफरेंशिएशन 2v, 7 बाहर हो जाएगा, v का 1 हो जाएगा और 2 का -2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस का b सिर्फ v थे ये यहाँ पर, और यह मल्टीप्लाई करके लिख दिए, यानी 5b-6 की वैल्यू को हम इस तरीके से रिप्लेस करेंगे, माइनस का 10v प्लस का 7 प्लस b, लेकिन यहाँ पर a और b की वैल्यू को फाइंड करने के बाद जैसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दिए, अगर हम 1 इक्वेशन डाल चुके हैं तो यस 1 शुरुआत में जब dy और dx निकाला तो उसे डाला था, इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। अब a और b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए यहाँ से ही इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाना होगा, इस ब्रैकेट को ओपन करके a का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10a * v हो जाएगा प्लस का 7a + v। इस तरीके से v के कोफिशिएंट अलग हो गया और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो अलग हो गया, यहाँ पर v वेरिएबल है। तो जब दो पॉलीनोमियल आपस में इक्वल होते हैं उनके जो लाइक टर्म के कोफिशिएंट होंगे इक्वल होंगे, यानी v की पावर 1 का कोफिशिएंट यहाँ पर माइनस का 10a है और इस लेफ्ट हैंड साइड में 5 है। तो इस तरीके से a की वैल्यू निकल आएगी, 5/10 करेंगे माइनस का 5 × 5 ये 2, तो a की वैल्यू यहाँ पर -1/2 हमारी आ चुकी है, मिल गई है। अब हम अगर हम कॉन्स्टेंट टर्म को कॉन्स्टेंट टर्म के इक्वल लिखें तो 7a + b की जो वैल्यू होगी -6 के इक्वल हो गई है, और a की वैल्यू यहाँ पर जब पुट करेंगे जो कि -1/2 है तो इससे b की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो इसे जब लेफ्ट अभी तो माइनस का है, जब राइट में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो b की वैल्यू हो जाएगी -6 तो ये है और ये उधर गया था तो प्लस का हो जाएगा, 7 1 + 7 / 2 था, अपान में 1 करते हुए एलसीएम ले लेंगे 2 का इधर इंटू हो जाएगा तो -12 + 7 इनका डिफरेंस 5 बचेगा, -2 इस तरीके से बी की वैल्यू -5/2 आ गई, ए की वैल्यू -1/2 आ गई। इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे तो इक्वेशन नंबर 2 हमारा रिड्यूस होकर आ जाएगा, यानी जो न्यूमरेटर इक्वेशन नंबर 1 का था वो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का नहीं सॉरी जो हमने लास्ट में छोड़ा था वहाँ पर, तो उसको लिख सकते हैं माइनस का 10a की वैल्यू रख दे -1/2 v, और नहीं सॉरी इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 में रखना है, इक्वेशन नंबर 2 है 5b-6 लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में था a की जगह पर -1/2 फिर ब्रैकेट में है माइनस का 10v प्लस का 7 और प्लस b की वैल्यू है -5/2, ये वैल्यू उठा के हम अपने वहाँ पर रख दें जो यहाँ पर हमने इंटीग्रल को छोड़ा था, यानी यहाँ पर इस पेज पर सबसे लास्ट में छोड़ा था, तो इसको रिप्लेस कर देंगे, इसको हटा के हम इसकी वैल्यू को इतना रख देंगे तो हमारा इंटीग्रल हो जाएगा, यानी 5b-6 की जगह पे लिख देंगे -1/2 - 10v + 7 और प्लस यानी -5/2, ये वैल्यू न्यूमरेटर की जगह रख दी और डिनोमिनेटर में था -5b² + 7b और -2 और dv था और राइट हैंड साइड में 1/x dx था।
अब यहाँ से प्लस या माइनस आ रहा, वहाँ से आपको सेपरेट करना होता है, तो ये अपान ये हो जाएगा, यानी ये वैल्यू हो जाएगी माइनस वन बाई टू माइनस टेन बी प्लस सेवन होल अपान में ये वैल्यू रख देंगे माइनस फाइव बी स्क्वायर प्लस सेवन बी माइनस टू डी बी, और प्लस ये अपान में ये कर देंगे यानी माइनस फाइव बाई टू और होल अपान माइनस फाइव बी स्क्वायर प्लस सेवन बी माइनस का टू डी बी, और राइट हैंड साइड में वन अपान एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पर हम सी ऐड कर देंगे। और जो फर्स्ट इंटीग्रल है उसमें तो आपको पता ही है कि इसको टी मानेंगे तो ऊपर डी टी हो जाएगा, ये वन बाई टू को अलग कर लिया जाएगा और इसमें कॉन्स्टेंट को अलग करके इसमें क्वाड्रेटिक है तो होल ऑफ स्क्वायर बनाया जाएगा। तो उसके लिए हम इसको एक नया वेरिएबल मान लेते हैं माइनस फाइव बी स्क्वायर प्लस सेवन वी माइनस टू को टी के इक्वल मान लें, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस फाइव कॉन्स्टेंट है, वी का डिफ्रेंशिएशन टू वी हो जाएगा, वी का डी वी हो जाएगा, सेवन कॉन्स्टेंट है, वी का डी वी हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का जीरो हो जाएगा, टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी हो जाएगा, यहाँ से डी वी को कॉमन ले लेंगे और ये माइनस का टेन वी हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम इसी को लिख रहे हैं माइनस का टेन माइनस टेन वी और डी वी कॉमन लेने पर प्लस का सेवन डी वी इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो ये टोटल वैल्यू जो है देख रहे हैं कि न्यूमरेटर यहाँ पर इसके बराबर है, और माइनस वन बाई टू को हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले सकते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो माइनस वन बाई टू को बाहर ले लिया, बाकी सारी वैल्यू ये डी टी अपान में टी हो गई, और माइनस अगले टर्म में ये जो ये प्लस है वो माइनस बदल जाएगा क्योंकि माइनस फाइव बाई टू को यहाँ पर हम बाहर ले रहे हैं इंटीग्रेशन के साइन से, बिल्कुल बाहर निकाल ले रहे हैं फाइव बाई टू को, तो हमारे पास बच रहा है वन अपान माइनस फाइव बी स्क्वायर माइनस का सेवन बी प्लस सेवन में माइनस का टू सॉरी और डी वी इज इक्वल टू लॉग एक्स लॉग लॉग एक्स प्लस का सी। इस इंटीग्रल को सॉल्व करना ही रह गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, वन अपन टी का इंटीग्रेशन आपको पता ही है कि लॉग टी होता है और टी की वैल्यू रख देंगे ये तो कंप्लीट हो जाएगा, ये रह गया। इसको सॉल्व करने का ये तरीका है, सबसे पहले इसका होल अब जो क्वाड्रेटिक है तो वन एक पावर है यानी ऊपर जो है वो कांस्टेंट है, तो ऐसे केस में इसे होल ऑफ स्क्वायर बनाते हैं। तो पहली स्टेप ये होती है कि वी स्क्वायर कोएफिशिएंट वन बनाते हैं, तो उसका जो भी कोएफिशिएंट है जैसे माइनस फाइव से बाहर ले लिया तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा फाइव सेवन अपन फाइव वी, और ऐसे ही माइनस जब बाहर ले लिया तो ये प्लस का हो जाएगा टू और फाइव चूँकि बाहर ले लिया तो अपान में आ जाएगा फाइव। राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं होगा, लॉग एक्स प्लस का सी है जैसा था हमने वैसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है काम यहीं पर करना है हमको, माइनस वन बाई टू लॉग टी की वैल्यू भी पुट कर देंगे तो यहाँ से कम हम छुटकारा पाएंगे। इसकी वैल्यू थी माइनस फाइव बी स्क्वायर प्लस का सेवन बी और माइनस का टू माइनस फाइव बाई टू, और इसमें वन बाई माइनस फाइव को भी कॉमन हम माइनस वन बाई फाइव को बाहर ले लेते हैं, तो हमारे पास बचा है वन अपान ये डी बी लिख दीजिए यहाँ पर, ये चल रहा था हमारा कि वी स्क्वायर का कॉफिशेंट वन बनाना तो हो चुका है। अगले स्टेप में देखते हैं कि जो वी का कॉफिशेंट है जो कि सेवन अपन फाइव है उसका हाफ करते हैं, सेवन अपन फाइव का हाफ हो जाएगा सेवन, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन हो जाएगा, इसके स्क्वायर को ऐड करेंगे, ऐड करा है तो सब्सट्रैक्ट भी करेंगे, लेकिन हम इस टर्म को बाद में लिखेंगे, जो उसको सब्सट्रैक्ट करें पहले जो थे उनको लिख दिया, जो सब्सट्रैक्ट करेंगे वो अब लिख रहे हैं, सेवन का स्क्वायर 49 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, यानी जितना ऐड किया उतना ही सब्सट्रैक्ट किया, हिसाब किताब हमारा बराबर हो गया। डी वी और इधर राइट हैंड साइड में जो था वो लिख दें लॉग सी प्लस लॉग एक्स प्लस का सी। अब ये तो अपना सॉल्व हो चुका है, ऐसे लिखा रहने दें, वन बाई टू लॉग माइनस का फाइव बी स्क्वायर प्लस सेवन वी माइनस टू, लास्ट में वैल्यू हमें वी की रखना होगी रख देंगे, फाइव से फाइव कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा वन बाई टू, और यहाँ पर देखिए किसका होल ऑफ स्क्वायर बन चुका है, ये तीनों टर्म्स रू के बना देंगे वी का और सेवन बाई टेन का होल ऑफ स्क्वायर, बिटवीन साइन आएगा माइनस का क्योंकि ये वाला इन दोनों का इंटू का ट्वाइस बीच में जो है माइनस का है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर होता है, तो ए की जगह पर वी है और बी की जगह सेवन बाई टेन है और माइनस टू ए बी की जगह पर ये था, तो फार्मूला हो जाता है ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, वो हमने लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ के हमें सॉल्व करके यहाँ पर लिख देना चाहिए, तो इनका एलसीएम इसको अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं रफ़ वे कि टू अपन फाइव और माइनस का फोर्टीन अपन हंड्रेड कितना होगा, तो इसका एलसीएम तो हंड्रेड हो जाएगा और इसे डिवाइड करेंगे ट्वेंटी बच जाएगा, टू से इंटर करेंगे फोर्टी हो जाएगा, माइनस का ये फोर्टी फोर्टी नाइन, तो ये माइनस का बचेगा नाइन अपान में हंड्रेड, तो इसको हम यहाँ पर इन दोनों का रिजल्ट माइनस नाइन अपान हंड्रेड लिख लेंगे, और डी वी और इक्वल टू राइट हैंड साइड में लॉग एक्स प्लस का सी। अब यहाँ पर
हमारे पास जो भी बचा हुआ है वो लिख रहे हैं 1/2 log ऑफ माइनस 5b स्क्वायर प्लस 7b माइनस का 2 प्लस 1/2, और यहाँ थोड़ा सा एक स्टेप और हम बढ़ा के इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, इसको वी माइनस 7/10 का होल ऑफ स्क्वायर, और इसे माइनस साइन को यहाँ पर लें, इस 9 को लिख सकते हैं 3, और 100 को लिख सकते हैं 10 का होल ऑफ स्क्वायर, 3/10 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसमें फार्मूले को अप्लाई कर देंगे। और जिस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं वो है 1/ वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होती है 1/2a log x माइनस a/x + a। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, तो अगले स्टेप में ये यूज़ कर देंगे। तो 1 - 1/2 log ऑफ माइनस 5b स्क्वायर प्लस का 7b माइनस 2 प्लस 1/2, ये वैल्यू हो जाएगी 1/2a, a का मतलब यहाँ पर ये 3/10 होगा, और फिर log ऑफ x मीन्स ये पूरा, बस ध्यान रखिए वी को कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसमें कोई भी कांस्टेंट घट रहा हो जुड़ रहा हो कोई फेक नहीं, आप इसको पूरे को x समझते हुए लिखेंगे। बी माइनस 7/10, थोड़ा सा डायरेक्ट माइनस a की वैल्यू 3/10 आप भी कर सकते हैं, बी माइनस 7/10, और इसमें फिर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग प्लस का a मतलब 3/10, और राइट हैंड साइड में जैसा चल रहा वो लिख दीजिए, यानी log ऑफ log x प्लस का c, ये 10 में है तो इसका ऊपर जाके इंटू हो जाएगा, तो माइनस 1/2 log, इसमें इस टर्म में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, माइनस 5b स्क्वायर प्लस 7b माइनस 2, और प्लस ये 2 × 4 हो जाएगा, और ये 4 का 3 में इंटू करेंगे तो 5 × 12 हो जाएगा, ऊपर ये 10 चला जाएगा। log ऑफ यहाँ पर LCM 10 जब ले लेंगे तो 10 जब LCM लेंगे तो 10 का 3 इंटू होगा 10v हो जाएगा, माइनस 7 और माइनस का 3, और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी हम 10 को ये LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 10v माइनस 7 प्लस का 3, और राइट हैंड साइड में log x प्लस का c, अपान में जो 10 है वो कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का 10 बन जाएंगे, और ये बचेगा माइनस का 4। तो अगले स्टेप में इसको लिखेंगे, उससे पहले हम इसको 2 से कैंसिल करेंगे, तो ये पर 5 हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा। अब इन सबको हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर ये बचा हुआ है माइनस 1/2 log ऑफ जो भी था हमारा ब्रैकेट, इसको ये लिखेंगे माइनस 5b स्क्वायर प्लस का 7b माइनस का 2, और फिर था 5/6 जो भी हो, log ऑफ जो भी बचा था हमारा न्यूमरेटर में बचा था 10v माइनस का 10, और डिनोमिनेटर में 10v और माइनस का 4 ये बचा था, और राइट हैंड साइड में log x प्लस का c। तो आंसर जो है वो किसी भी फार्म में आ सकता है, क्योंकि हम कांस्टेंट किसी भी फार्म में लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और जितना भी चाहे इससे आगे अब कैलकुलेशन किया जा सकता है, और v अपनी तरफ से माना है इसकी वैल्यू हमें रख देना चाहिए या लिख देना चाहिए v की वैल्यू कितने के बराबर है, तो हाँ v की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, छोटा मोटा कैलकुलेशन साथ में करते रहेंगे। 1/2 माइनस 5 v की, चूँकि v की वैल्यू होती है, हम लोगों ने y बराबर माना था bx माना, तो v की वैल्यू हो जाएगी y/x हो जाएगी, तो यहाँ पर रखेंगे स्क्वायर है तो ये y और x का स्क्वायर हो जाएगा, यानी y² / x² हो जाएगा प्लस 7y/x - 2, तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पर हमने रख दी log के अंदर है, ये 5/6 log ऑफ, तो हमने बोला छोटा मोटा कैलकुलेशन करते रहेंगे साथ में v की वैल्यू रखते रहेंगे, तो ये 10 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो उसके बाद v बच रहा है, v की जगह पर y/x रखेंगे, 10 कॉमन आ गया तो 1 बचा, इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो 5 times बचेगा v, और v की वैल्यू y/x, और -2 कॉमन लिया था 2 बचा, यहाँ पर राइट हैंड साइड में इधर log x प्लस c चल रहा था वो लिखते रहे ऐसे। अब यहाँ LCM ले लें एक्स स्क्वायर को, तो -1/2 log ऑफ ये LCM एक्स स्क्वायर हो गया, तो -5/2 प्लस 7x का इधर इंटू हो जाएगा x बाई माइनस इधर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा LCM की, LCM लेने के बाद प्लस 5/6 log, ये हमने जो कॉमन लिया था से 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा 5 times, तो 5 times इसमें x LCM हो जाएगा, तो y - x हो जाएगा, अपान में vx LCM होगा तो 5y - 2x हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में log x प्लस का c चल रहा है, अपान वाला x x से कैंसिल हो जाएगा, अब जहाँ पर भी चाहे इसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन था हमने सॉल्व कर लिया है।
और यहाँ तक कि हमने v की वैल्यू भी रख दी है, अब कुछ भी करने को ज़्यादा नहीं बचा है। आप चाहें तो log को सबको इकट्ठा कर दें या फिर ऐसा भी छोड़ दें तो आपके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं है। 5y-2x यहीं पर छोड़ सकते हैं, log x प्लस सी और इतना भी छोड़ा जा सकता है और उसे लॉग को मिलाया भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगी, कोई तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। यहीं पर हम छोड़ देते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाकुर दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।